Assalamu alaikum, dear students. My name is Atiya Atik and I am from Montessori Complex Grammar School. Today I am going to teach you English grammar. So let's begin. Dear students, today we are going to continue with our topic kinds of nouns. So let's begin. Class, as I've told you yesterday, that there are 10 kinds of nouns mentioned in your book and we have already studied 5 nouns. Now we will continue and we will study the remaining 5 nouns. What are they? They are abstract noun, material noun, regular noun, irregular noun and possessive noun. Material or concrete nouns. The name of things which are used for making things are called material nouns. Students, ऐसी चीजों के नाम जो दूसरी चीजें बनाने के काम आती हैं और इन्हें हम छू भी सकते हैं, ऐसी चीजों के नाम को material noun या concrete noun कहा जाता है. For example, wood. Wood, class, लकड़ी. लकड़ी से क्या कुछ नहीं बनता, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ एक example mention की है, chair. We can touch the wood as well as the material which is made from that. Then, cardboard. Cardboard से क्या बनते हैं, boxes. Then, house. हाउस किस चीज से बनते हैं, ब्रिक्स एंड सीमेंट. पेपर, पेपर से क्या बनता है, बुक्स. अ कलेक्शन ऑफ पेपर मेक अ बुक. नाउ लेदर, लेदर के क्या बनते हैं, शूज बनते हैं, बैग्स बनते हैं. देन प्लास्टिक, प्लास्टिक के बॉक्सेस बनते हैं और कप्स बनते हैं. क्लास, सॉलिड थिंग्स के अलावा भी आपकी खाने पीने की चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं और उनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं, उन्हें भी कॉन्क्रीट या मटीरियल नाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, वाटर, शुगर एंड राइस. मिल्क से क्या बनता है क्लास, योगर्ट. यस, चीज़. ऐसी सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स मिल्क से बनते हैं. यस, और वाटर, वाटर को भी हम बहुत सारी चीज़ों में यूटिलाइज करते हैं, उनसे बहुत सारी ड्रिंक्स बनाते हैं. शुगर, शुगर से भी हम डेजर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. राइस, राइस को भी हम डिफरेंट थिंग्स में यूटिलाइज करते हैं. तो ना सिर्फ सॉलिड थिंग्स बल्कि खाने पीने की चीज़ें, उनके नाम, नाम, रिमेंबर क्लास, नाम का क्या मतलब है, नाम. ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें हम छू सकते हैं और उनसे दूसरे मटेरियल बनते हैं. फॉर एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोल, इन सारी चीज़ों से दूसरी चीज़ें बनती हैं. जैसे गोल्ड और सिल्वर से मटेरियल, गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, स्पून्स, कटलरी बनती है. इस तरीके से ऐसे मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं, मटीरियल नाउंस. एब्स्ट्रैक्ट नाउंस, the name of qualities, feelings, actions and states which we cannot touch or see are called abstract noun. Class, ऐसे नाम जो खुसूसियात, जज्बात, आमाल और हालातों के लिए इस्तेमाल किए जाएं, जिन्हें हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, दीज ऑल आर क्वालिटीज. फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या होती हैं क्लास? लव, हेट्रेड, एंगर, सैडनेस यानी कि मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, उदासी. ये हम छू तो नहीं सकते ना हम देख सकते हैं, हाँ पर हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं. देन एक्शंस, चोरी, लड़ाई, खैरात, हंसी यानी कि चैरिटी, लाफ्टर, फाइट एंड थेफ्ट. क्लास, इस तरीके की चीज़ों को एक्शंस कहा जाता है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एक्शंस के नाम, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते पर उन्हें हम महसूस कर सकते हैं. उसके बाद आ जाते हैं स्टेट्स यानी कि आपकी हालातें, चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी, रिचनेस, सिकनेस, वेल्थ, हेडेक यानी बचपन, जवानी, गरीबी, अमीरी, बीमारी. ये सब क्या कहलाती हैं क्लास? ये सब स्टेट्स कहलाते हैं यानी कि ये सब आपके हालात कहलाते हैं, आपकी करंट सिचुएशन. अभी इस वक्त आपका क्या चल रहा है क्लास? आपका यूथ टाइम चल रहा है आप कह सकते हैं, या फिर आपका चाइल्डहुड या आपकी टीनेज चल रही है बेसिकली. तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जिन्हें हम जबान से तो बोलते हैं, हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है अपने हालात और अपने मूड स्विंग्स के ऊपर, लेकिन हम उनको ना देख सकते हैं ना हम उनको टच कर सकते हैं. रेगुलर नाउन्स, द नाउन्स हुज प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और ई एस आर रेगुलर नाउन्स. क्लास, एक से ज़्यादा अशिया के नामों को रेगुलर नाउन्स कहा जाता है और उनके आगे एस या ई एस लगाना ज़रूरी है, तभी वो रेगुलर नाउन्स बनेंगे, ठीक है, वरना नहीं. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, इट इज़ अ सिंगल पर्सन, तो अगर हम उसके आगे एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? गर्ल्स यानी कि एक से ज़्यादा लड़कियाँ. नाउ बर्ड, एनिमल, इट्स अ नेम ऑफ एन एनिमल, only one animal, but if we add s on it then it would be one, more than one, maybe two, maybe three. तो ये अगर एक दो से ज़्यादा birds या तीन या चार जितनी भी होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? Birds. Same as with the banana, then come on es words. Tomato बन जाएगा tomatoes. उसके आगे हम es लगाएंगे class. एस नहीं लगाएंगे खाली. देन पोटैटो क्या बन जाएगा? पोटैटोज. फॉक्स, फॉक्सेस. डिश, डिशेस. वॉच, वॉचेस. बस, बसेस. ग्लास, ग्लासेस. बॉक्स, बॉक्सेस. एस या ई एस लगा के एक से ज़्यादा चीज़ों को मेंशन किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? रेगुलर नाउन्स. इरेगुलर नाउन्स, the nouns whose plural is formed by changing their spelling are irregular nouns. Class, अभी हमने पढ़ा कि अगर हम एक से ज़्यादा अशिया में s या es लगा दें तो वो regular nouns कहलाते हैं. But कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ चीज़ों के नाम ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा तो होते हैं मगर वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते. जैसे एस और ई एस लगाना एक रूल है तो वो उसको फॉलो नहीं करते बल्कि उनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है. ऐसे नाउन्स को हम लोग इरेगुलर नाउन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन, देन द प्लूरल फॉर्म वुड बी मैन, एम ई एन. क्लास, इसमें स्पेलिंग चेंज हो गई मगर इसमें ना हमने एस लगाया ना ई एस लगाया. Then a woman, then plural woman, W-O-M-E-N, इसमें भी स्पेलिंग चेंज हो गई. Person, a person, एक आदमी के बारे में, एक फर्द के बारे में. जब अफराद हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? People. क्लास, हमने persons तो नहीं बोला ना, ना S लगाया ना ES लगाया. Yes, हमने इसकी स्पेलिंग ही चेंज कर दी, उसका पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया. देन टूथ,
आपका एक दांत कहलाता है टूथ और आपकी पूरी बत्तीसी या एक से ज्यादा दांत कहलाएंगे टीथ। स्पेलिंग चेंज, वी शुड नॉट ऐड एस और ई एस। चाइल्ड, अ चाइल्ड, एक बच्चा, और जब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, चिल्ड्रन। हम चिल्ड्रन के आगे एस नहीं लगाते क्लास, ना ई एस लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से चिल्ड्रन्स लिखते हैं, वो गलत होता है। ओके, इट इज़ एन इरेगुलर नाउन। नाउ यू अंडरस्टैंड, इरेगुलर नाउन में एस या ई एस नहीं लगता, बल्कि स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। माउस, माउस क्या बन जाएगा, माइस। गूस क्या बन जाएगा, गीस। फुट क्या बन जाएगा, फीट। ऑक्स, ऑक्स क्या बन जाएगा, ऑक्सन, यानी कि बैल। अब बैल की जमा बहुत सारी बैलें हैं, तो वो क्या बनेंगी, क्या कहलाएंगी, ऑक्सन कहलाएंगी। सो नाउ यू अंडरस्टूड क्लास द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन में हम रूल के तहत एस या ई एस ऐड करते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए, जबकि इरेगुलर में हम उसकी स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं, एस या ई एस ऐड नहीं करते। पोजेसिव नाउन, द नाउन्स विच शोज ओनरशिप एंड फॉर्म बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एंड एन एस आर पोजेसिव नाउन्स। क्लास, पोजेसिव नाउन्स किसी की मिल्कियत को जाहिर करते हैं और हम एक एपोस्ट्रोफी और एक एस का इजाफा करके इन्हें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सनी इज मिगेल्स डॉग। यहाँ पे डॉग का नाम क्या है, सनी, जो कि किसकी मिल्कियत में है, मिगेल की। मिगेल एपोस्ट्रोफी एन एस, ये सब क्या कहलाया, पोजेसिव नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में पोजेसिव नाउन क्या है, सैंड्रास। यस, सैंड्रास पोजेसिव नाउन है। एमा इज सैंड्रास डॉटर, तो सैंड्रा की मिल्कियत में कौन हुआ, एमा हुई, तो सैंड्रास इज अ पोजेसिव नाउन। सेम एज विद द थर्ड सेंटेंस, पीटर्स, पीटर्स इज अ पोजेसिव नाउन। एंड द लास्ट वन, एमास, एमास इज ऑल्सो अ पोजेसिव नाउन। सो ऐसे नाउन जिनके आगे एपोस्ट्रोफी एंड एस लगे और वो किसी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करें, वो क्या कहलाते हैं, पोजेसिव नाउन्स। असाइनमेंट टाइम क्लास, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो थॉरली ट्वाइस एटलीस्ट एंड आस्क इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट और यू हैव एनी क्वेरी, योर टीचर इज हेयर टू हेल्प एंड आंसर यू। बेस्ट ऑफ लक।